अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्त नंबर 2 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने जा रहे हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र किया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने किस तरह के हैरत अंगेज़ वाक़यात यानी फ्रीजी अंजाम दिए, जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी परेशानी में मुबतला हो गए, तो उनके वाक़ात से हैरत ज़दा हुए। तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर आगाह की जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि नए आने वाले वीडियो से आप आगाह हो सकें। एक रिवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन महफिल वाज में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स ने आकर दरियाफ्त किया कि कोई शख्स इस वक्त दुनिया में आपसे ज़्यादा भी इल्म वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई नहीं, क्योंकि तौरात शरीफ में जो उस ज़माने में 40 ऊँटों पर लादी जाती थी आपको ज़बान याद थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शर्फ भी अता हुआ था। उस वक्त जब आपने ये इरशाद फरमाया कि मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाया और फरमाया, ऐ मूसा, तो ऐसा ख्याल मत कर कि तुझसा कोई नहीं, मेरे कई बंदे तुझसे ज़्यादा इल्म वाले हैं और तुझे को क्या मालूम मैंने मखलूक में किस को ज़्यादा इल्म बख्शी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि इलाही, मैं तेरे इस बंदे से कैसे मुलाकात कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो मजमा बहरैन के पास एक मैदान में रहते हैं, उनका काम गुमराहों और भटके हुए राहों को राह दिखाना है, बल्कि और भी काम है। उनका नाम खिज़र है। मजमा बहरैन बहर फ़ास और बहर रूम में मशरक़ की जानब उस जगह का नाम है जहाँ दोनों समंदर मिलते हैं। तुम एक खादिम को साथ लेकर मजमा बहरैन पर एक भुनी हुई मछली लेकर चले जाओ, जहाँ वो मछली ज़िंदा हो जाएगी वही मेरे उस बंदे खिज़र अलैहिस्सलाम से तुम्हारी मुलाकात होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ यूशा बिन नून को लिया। ये अक्सर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत व सहाबत में रहते थे, आपसे इल्म सीखते और आपके बाद आपके नैब हुए, ये आपके भांजे भी थे। हज़रत यूशा बिन नून को साथ लेकर मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात को चले। आपके साथ एक थैली भी थी जिसमें एक तली हुई नमकीन मछली रखी हुई थी। आपने यूशा बिन नून से कहा, मुझको मजमा बहरैन पर जाना है, जब तक वहाँ ना पहुँच जाऊँ सफ़र ख़त्म ना करूँगा, चाहे कितना वक्त ही क्यों ना लगे। कुरान मजीद में इस गुफ्तगू को यूं बयान फरमाया है, वाइज़ क़ाला मूसा लिफ्तहुला अब्रहु हत्ता अबलुगा मजमा बहरैन औ अम्या हुकुबा। तर्जुमा, और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा, मैं बाज न रहूँगा जब तक वहाँ ना पहुँचूँ जहाँ दो समंदर मिलते हैं, या करूँ चला जाऊँ, यानी चलता जाऊँगा खा कितनी मुद्दत क्यों न लगे। फिर जब वो दोनों उन समंदरों के मिलने की जगह पहुँचे जहाँ एक पत्थर की चट्टान थी और चश्मे हयात था, तो वहाँ दोनों ने आराम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब हो गए। थोड़ी देर के बाद जब हजरत यूशा बिन नून ने वज़ू किया तो एक कतरा पानी का उनकी उंगली से उस मछली पर टपका, फौरन वो मछली ज़िंदा हो गई और तड़प तड़प कर दरिया में गिरी। उस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जागने के बाद हजरत यूशा बिन नून को याद ना रहा कि ये वाक़या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जागने के बाद सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि दूसरे रोज़ का खाने का वक्त आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा बिन नून से कहा कि हमारा सुबह का खाना लाओ, बेशक हमें इस सफ़र में बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ी और अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर थकान भी तारी और भूख भी, और ये बात जब तक मजमा बहरैन तक न पहुँचते पेश न आई थी। मंजिल मकसूद से आगे बढ़कर थकान मालूम हुई, इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी कि मछली याद करें और इसकी तलब में मंजिल मकसूद की तरफ वापस हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मछली मांगने पर खादिम ने माजरत पेश की और अर्ज़ किया कि मुझे शैतान ने भुला दिया कि मैं इसका जिक्र आपसे करूँ। वो अजीब तरीके से ज़िंदा होकर समंदर में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी यही तो हम चाहते थे, यानी मछली का जाना ही तो हमारे हसूल मकसद की अलामत है, और जिनके तलब में हम चले हैं उनकी मुलाकात वही होगी।
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फिर दोनों अपने पैरों के निशानात देखते हुए वापस पलटे और उस जगह पहुँचे जहाँ मछली जिंदा हुई थी। देखा कि पानी मछली के चारों तरफ बड़े ज़ोर शोर से बह रहा है, मगर जहाँ मछली मौजूद है उसके इर्द गिर्द रुका हुआ है, जैसे शीशे के डब्बे में बंद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशे से फरमाया कि मुझको यही जगह हज़रत खिज़र से मुलाकात के लिए बताई गई थी, यहीं आसपास कहीं ना कहीं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। ये कहकर आप हज़रत खिज़र को तलाश करने लगे। समंदर में किसी कदर दूर जाकर एक छोटा सा जजीरा नज़र आया। इस जजीरे में पहुँचे तो देखा कि दूर कोई शख्स सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ है। आप करीब पहुँचे और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा, उस सरज़मीन पर सलाम करने वालों कौन आ गया? आपने फरमाया, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, बनी इसराइल की मूसा? फरमाया, जी हाँ मैं वही हूँ। मैं आपसे बाज़ वो उलूम सीखने आया हूँ जो मुझको मालूम नहीं। इसी सना में एक समंदरी परिंदा उड़ता हुआ आया और पानी में चूँच मार कर एक कतरा पानी चूँच में लेकर चला। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने तूर पर समझते हो कि मैं इल्म में सबसे ज़्यादा हूँ, हालांकि इंसान का अव्वल आखिर बातिन ज़ाहिर इल्म अल्लाह के नज़दीक इससे भी कमतर है जितना कि ये परिंदा अपनी चूँच में एक कतरा पानी उठा कर ले गया है, और वो पानी का कतरा समंदर के नज़दीक क्या चीज़ है? कुछ नहीं, ऐसा ही हमारा तुम्हारा इल्म अल्लाह के नज़दीक है। दरअसल अल्लाह ताला को हमारी तरबियत मकसूद थी, और ये भी सच है कि अल्लाह ताला का अता करदा एक इल्म मुझको है तुमको नहीं, और एक इल्म तुमको है मुझको नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तर्जमा, इससे मूसा ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूँ इस शर्त पर कि तुम मुझको सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें मालूम हुई? इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, قال انكم لن تستطيعوا معي صبرا, ترجمہ, کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تواضع سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے خواہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, اور جس سے علم سیکھے اس سے نہایت ادب و احترام سے پیش آئے۔ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال حصول علم سے متعلق سن کر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے, چونکہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم و کمال کی وجہ سے جانتے تھے کہ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام شریعت خداوندی کی پابندی کرنا اور زہر شریعت اور احکام خداوندی کے خلاف کرنے والوں پر سختی سے روکنا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بات ظاہری شریعت کے خلاف دیکھیں گے تو ناممکن ہے کہ وہ نبی ہونے کے ناطے خلاف شریعت امور پر صبر کریں, اس لیے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالی نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا ہے جس کو آپ نہیں جانتے, اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن اور مکشافہ ہے, اور اہل کمال کے لیے یہ باعث فضل ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صدیق اکبر کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اس وجہ سے فضیلت نہیں کہ ان کی نمازیں اور ان کے اعمال دوسرے صحابہ سے زیادہ ہیں, بلکہ ان کو اس وجہ سے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فضیلت ہے کہ ان کا سینہ معارف الہی کا گنجینہ ہے, یعنی ان کے پاس علم باطن و علم اسرار ہے, اور ان علوم کے ہونے سے ان سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے, اگرچہ بظاہر خلاف معلوم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے فرمایا, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں, اور اللہ تعالیٰ کو حکم بھی یہی ہے, تو میں تمام معاملات میں صبر کروں گا, بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا مت پوچھیے گا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ آپ نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ یہ شرط قبول کی اور دونوں نے سفر شروع کیا۔ دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور نکل گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی چلانے والوں کو آواز دی۔ کشتی چلانے والے ملاح غریب آدمی تھے, آواز سن کر کشتی لوٹا لائے۔
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तीन आदमी हैं, फलां जगह जाना चाहते हैं, जो किराया होगा हम अदा कर देंगे। किश्ती वालों ने जब उन नूरानी सूरतों को देखा तो अर्ज़ करने लगे कि आपका हमारी किश्ती में सफ़र करना ही हमारे लिए बायस सआदत व बरकत है, हमें किराए की नहीं बल्कि आपके दुआओं की ज़रूरत है। यूँ इन तीनों को किश्ती में मुफ्त सवार करा लिया। जब किश्ती मुल्क रूम के एक छोटे बादशाह जलंदी के मुल्क की सरहदी के करीब पहुँची तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी से उसके जाक या दो तख्ते उखाड़ डाले, लेकिन तोड़ने के बावजूद इस किश्ती में पानी नहीं आया। मूसा ने जब ये माजरा देखा तो आपको जलाल आ गया। वो बिल्कुल भूल गए कि इब्तदाए सफ़र में उन्होंने खिज़र से क्या वादा किया था। कहने लगे, ए खिज़र अलैहिस्सलाम, क्या इतने लोगों को डुबोने का इरादा है जो तुमने किश्ती से तख्त निकाल दिए, जबकि किश्ती के मालिकों ने हमारे साथ हमदर्दी और भलाई की है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे पहले ही नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहेंगे तो सब्र कीजिएगा, दरअसल आप मेरे साथ नहीं रह सकते। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वादा याद आया और आपका जलाल फौरन ख़त्म हो गया और आप नादिम हुए और कहने लगे कि मुझसे भूल हुई जो मैंने आपके काम पर एतराज़ किया, क्योंकि भूल पर शरीयत में गिरफ्त नहीं, इसलिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी दरगुजर से काम लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ रखा। फिर किश्ती किनारे पर आ लगी और ये तीनों किनारे पर चलते हुए एक शहर के करीब पहुँचे। वहाँ एक मकाम से गुजर हुआ जहाँ लड़के खेल रहे थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक नौउमर लड़के को पकड़ कर ज़मीन पर लटा दिया और बग़ैर किसी जहरी वजह से चाकू से उसके सर को गर्दन से जुदा करके उसको मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे और नबी का काम बुरे कामों पर लोगों को टोकना और मना करना होता है, लिहाजा आप एक गलत काम बल्कि एक जुल्म होते न देख सके और पुकार उठे, ए खिज़र क्या करते हो, ऐसे लड़के का खून कर दिया जिसने कोई गुनाह नहीं किया था। दोबारा इस वादा खिलाफी को देखकर हजरत खिज़र से खिज़र ने फरमाया, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि आप सब्र न कर सकेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि एक मरतबा कह चुके थे कि भूलोगे, लिहाजा इस दफ़ा से ये तो ना कहा कि भूलोगे बल्कि यूँ कहा कि खैर अब तो गलती हो गई, आइंदा अगर मैं आपको टोकूँ तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कौल मंजूर किया और आगे बढ़े। हत्ता के दोपहर का वक्त हो गया, सबको भूख महसूस हुई तो एक शहर अंताकिया में पहुँचे। वहाँ देखा कि लोग खुशहाल हैं, मकान अच्छे हैं और शहर की जहरी हालत से पता चलता था कि वहाँ माल की रेल पील है। ये दोनों कई ऐसी जगह पर गए जहाँ लोग जमा थे और ख़ुद को मुसाफिर जाहिर करके फरमाया कि हम भूखे हैं, कोई हमें खाना खिला दे, मगर वहाँ के बाशिंदे इतने कंजूस थे कि किसी ने भी इनका ख्याल न किया। ये तीनों घूम फिर कर एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ उन्होंने देखा कि एक बोसीदा दीवार गिरने वाली है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार की मरम्मत कर दी और उसको इस तरह कर दिया कि वह अब बरसों नहीं गिर सकती थी। गो कि ये कोई नाजायज़ और गैर शरी काम न था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरा कि आप एक ऐसे शहर में जहाँ लोगों ने हमें खाने तक न पूछा और बेमुरवती और बद इखलाकी से पेश है, वहाँ एक दीवाना बग़ैर उजरत के दुरुस्त कर दी। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि ए खिज़र, जिस शहर के लोग इतने बेमुरवत और बाद अखलाक हों कि मुसाफिर को खाने के लिए तक न पूछें, अगर उनका कोई काम ही करना आता तो आप उजरत ठहरा लेते कि आपने खाने पीने का ही बंदोबस्त हो जाता। चूँकि ये तीसरा एतराज़ था इसलिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी हमारी क्या बात तय हुई थी कि अगर आप मेरे किसी काम पर एतराज़ करेंगे तो बस आइंदा हमारा साथ रहना मुश्किल होगा, लिहाजा अब हमारी और आपकी जुदाई का वक्त आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने चूँकि ये शर्त खुद रखी थी कि आइंदा अगर मैं बोलूँ तो आपको हक़ है कि मुझको साथ न रखें, इसलिए कुछ कह ना सकें। हाँ, ये ज़रूर कहा कि ठीक है आप जाते जाएँ, मगर ये जो तीन वाक़यात आपके सफ़र में देखे, किश्ती का तोड़ना, बच्चे का कत्ल करना और दीवार की बग़ैर उजरत के मरम्मत करना, इन वाक़यात की बातनी कैफियत और हकीकत से तो आगाह करते जाएँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है तो फिर सुनिए कि जिस किश्ती में आप सवार थे वो 10 भाइयों की मलकियत थी, जिनमें 5 तो अपाहज और मौजूर थे जो कुछ नहीं कर सकते थे और 5 दुरुस्त थे लेकिन थे गरीब और मफलूकुल हाल। वापसी में उन्हें एक मुल्क की सरहदों के करीब से गुजरना था जहाँ जलंदी नाम का बादशाह हुकूमत करता है।
उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि समंदर से अच्छी और चलती हुई हालत वाली किश्तियों पर कब्जा कर लो और सबकर सरकार जब्त कर लो और बहक सरकार जब्त कर लो। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर ये बातें मुनक्शिफ फरमा दी थी, लिहाजा मैंने किश्ती को तोड़ दिया। इस तदबीर से किश्ती उन जालिम के हाथ से बच गई और तोड़ने से डूबी भी नहीं। यूँ इन गरीबों की कमाई का वाहिद सहारा महफूज रहा। और वो लड़का जिसको मैंने कत्ल किया और आपने उसके कत्ल पर जलाल का इजहार किया, ये अजील तौर पर काफिर था। यानी इसकी पैदाइश, तबीयत और खलकत ही में कुफ्र का गुलबा रख दिया था। वो अगर ज़िंदा होकर बालिग होता तो काफिर ही होता और ऐसे काम करता जिनसे खुद गुमराह होता और साथ साथ अपने मोमिन वालिदैन को भी अपने गुराह में शरीक करके आखिर काफिर ही बनाकर छोड़ता। मैंने बातिन का हाल मालूम करके उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला को मंजूर था कि लड़के के वालिदैन का ईमान भी सलामत रहे और उस लड़के के बदले अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी अता फरमाएगा जो इनके लिए बड़ी बरकतों वाली हो। मरवी है कि अल्लाह ताला ने उस लड़की के बदले उसके वालिदैन को एक बेटी अता फरमाई जो एक नबी के निकाह में आई और इससे कई नबी पैदा हुए जिनके हाथ पर अल्लाह ताला ने एक उम्मत को हिदायत दी। फिर आखिरी बात कि बुखैल शहर वालों को दीवार बगैर मुआवजे और उजरत के मैंने मरम्मत की तो आपने नाराज़गी का इजहार किया। तो सुनिए कि ये दो यतीम बच्चों इसराम और सरीम की मलकियत थी जिनके मोमिन माँ बाप ने अपनी हिलाल रोज़ी से कुछ माल जमा करके बच्चों के लिए दीवार के नीचे दफन कर दिया था कि बड़ा होने पर उनके काम आए। अगर इस वक्त ये दीवार गिर जाती तो बच्चे चूँकि अभी छोटे थे उन्हें कुछ न मिलता और उनके अजीज़ व अकारिब सब माल व दौलत हजम कर जाते। लिहाजा अल्लाह ताला ने बच्चों के हाल पर रहम फरमा कर ये चाहा कि हमारे नेक बंदे की मेहनत की कमाई ज़ाय ना हो और जब ये बच्चे बालिग हो जाएं तो चाहे खुद निकाल लें या ये दीवार खुद गिर जाए जिससे ख़जाना जहर हो और इनके मसूफ़ में।